आज पूरा देश जिस क्षेत्र को सलाम कर रहा है, जहां काम करने वाला व्यक्ति जात पात बड़ा छोटा नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है इंसान। जी हां, आज पूरा देश सभी डॉक्टरों के सम्मान में डॉक्टर्स डे मना रहा है। ऐसे में हमारी टीम ने भी इस डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में शहर के कुछ युवा डॉक्टरों से मिलकर उनसे बात की है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शहर के सिविल लाइन स्थित विनायक वेलनेस सेंटर शहर में वैद्यकीय सेवा प्रदान करी है। अब इस सेंटर की युवा पीढ़ी नए नए तकनीक के साथ सेवा में कार्यरत हो गई है। इस युवा पीढ़ी में डॉक्टर प्रतीक घुमाल जनरल फिजिशियन और डायबिटीज स्पेशल है, साथ ही डॉक्टर दर्शना देशमुख जो त्वचा रोग तज्ञ है। इन दोनों से हमारी टीम ने खास बातचीत की है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक घुमाल, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ एट विनायक वेलनेस सेंटर नागपुर। स्क्रीनिंग के बारे में, किसको स्क्रीनिंग करना चाहिए डायबिटीज़ का, फर्स्ट इज जिनके फैमिली में डायबिटीज़ हो, उन्होंने उनके जिनके मदर या फादर में डायबिटीज़ हो उन्होंने करना चाहिए। अबव 35 to 40 इयर्स लोगों ने स्क्रीनिंग करना चाहिए। फिर जिनको प्रेगनेंसी में, जिन लेडीज़ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुआ था, ऐसे लोगों ने स्क्रीनिंग करना चाहिए। फिर जिनको स्ट्रोक या हार्ट डिजीजेस हुआ है, जिनका BMI अबाउट 25 है, उन्होंने स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ ऐसा है, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सिंपल मैं बताऊंगा तो एक है type 1 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है, और दूसरा टाइप है जो इनडिपेंडेंट रहता है। लेकिन अभी ये टर्म्स हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि type 2 डायबिटीज़ में भी बाद में जैसे पैनक्रियास का बीटा सेल्स से इंसुलिन तैयार जो होता है, वो एक वक्त आने पे वो भी नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद पेशेंट का ये अवसर आ जाता है कि अभी इंसुलिन चालू हो जाता है पेशेंट को। तो ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम लोग? एक तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका डाइट अच्छे से हो। डाइट मतलब कभी फास्टिंग नहीं रहता है। डाइट इज़ अ न्यूट्रिशन जो आपका बॉडी को मिलना चाहिए। उसमें कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन्स भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, जैसे vitamin B12, vitamin D etc. तो वो डाइट मतलब कभी भी लोगों को लगता है कि डॉक्टर ने बोला है रोटी बंद करो, चावल बंद करो, ऐसा नहीं होता है। एक प्रमाण रहता है और वो प्रमाण के अनुसार हम लोग को डाइट इंक्लूड करना रहता है। और दूसरी चीज़ एक डाइट और दूसरी चीज़ है आपका फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल मंत्रा है, 30 मिनट्स का वॉक करना चाहिए, सुबह करो 30 मिनट्स, शाम को 30 मिनट्स करो। और आजकल सभी के पास डिजिटल वॉच है, तो वो डिजिटल वॉच पे हम लोग 10,000 स्टेप्स मॉनिटर कर सकते हैं इजीली। तो आप एक ये आदत बना ले लीजिए कि दिन में मुझे 10,000, या स्टार्टिंग में आप 7,000 स्टेप्स करो, और धीरे धीरे 10,000 स्टेप्स डेली करके ये आपको हेल्प करेगा। फिर और लगभग ये रूटीन फॉलो करने के बाद इंसुलिन का डोज भी कम हो सकता है, और मेडिसिंस भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। बारिश में बहुत सारे डिजीज आते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, टाइफॉइड है, फिर बहुत डायरियाज होते हैं लोगों को बाहर का खाना खाने से, या फिर थैले पे जाके पानी पूरी खाने से। तो ये चीज़ें हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए। बाहर का एकदम साफ घर का पानी पीना ज़रूरी है। फिर आपको पता है कि इकट्ठे पानी में मच्छर के वो ये ब्रीड होते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। बहुत सारे घरों में गार्डन्स रहते हैं, तो पॉट्स में जमा हुआ पानी, उसको भी ध्यान हमने रखना चाहिए। वो भी एक सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ लेके हम लोग बारिश के जो मामूली से ये है डिजीज़ है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वायरल फीवर का ले सकता हूँ। वायरल फीवर लगभग उसके सिम्टम्स तीन दिन तक रहते हैं, उसके बाद बिना एंटीबायोटिक के भी वो फीवर चला जाता है। एक बेसिक हम लोग जिसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक केयर, जिसमें बुखार आया तो पैरासीटामोल, खांसी आई तो कफ सिरप, ऐसे लेके पूरा पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन ब्लड टेस्ट कब करना ज़रूरी है? जब बहुत सारा एकदम वीकनेस आए पेशेंट को, जब वो बेड के ऊपर बेड से उठाने जा रहा है पेशेंट को, फिर रैशेज आ जाए,
फीवर विथ रैश अगर आता है तो ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर जिनको डायबिटीज़ जैसे बड़ी बीमारी है, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों ने खास करके ध्यान देना चाहिए और ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है उनको। हम लोग डीजनरेटिव डिजीज़ बोलते हैं। एज जैसे जैसे होती है वैसे तुम्हारी जॉइंट्स को डीजनरेशन चालू होता है और जो जॉइंट के बीच में जो फ्लूइड रहता है वो कम होके घुटनों के जॉइंट्स एक दूसरे पे खिसक के वो पेन डेवलप होता है और घुटनों के दर्द चालू हो जाता है। तो ऐसे वक्त में हम लोग जड़ में जाएंगे तो उसका बेसिक भी वही होता है कि आप थोड़ा वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैवी वेट रहेगा तो फिर वो उतना बड़ा वेट पूरा घुटनों पे आ रहा है तो उससे भी ये प्रोसेसेस जो है एजिंग के वो फास्ट होने लगती है। तो फिर वेट लॉस करना ज़रूरी है अगेन मतलब वो साइकिल हम लोग उधर ही आ पहुँचते हैं कि आपका डाइट लेना, अच्छा डाइट लेना और उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी करना कितना ज़रूरी है। तो ये सब जो एज रिलेटेड जो डिजीज़ है उसको हम लोग कई हद तक लाइक 10 ईयर्स तक भी डिले कर सकते हैं। अभी ओल्ड एज में बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो आम जनता को अभी भी पता नहीं है, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक है अबाउ 50 के लोगों ने अभी गवर्नमेंट ने भी उसको लागू किया है, एक वैरिसेला जोस्टर वायरस जो है अबाउ 50 के लोगों में शिंगल्स जिसको बोलते हैं हम लोग वो उसका प्रमाण ज़्यादा है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है तो शिंगल्स आता है। उसके लिए एक वैक्सीन है अबाउ 50 के लिए। 60 प्लस लोगों के लिए इन्फ्लुएंजा फ्लू शॉट जो बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स वो नेजल वैक्सीन्स है उसको भी लेना ज़रूरी है। जिनको डायबिटीज़ या ऐसे इम्यूनोडिफिशेंसी वाले डिजीज़ है उन्होंने लेना चाहिए। अबाउ 65 के लिए है न्यूमोकोकल वैक्सीन जो बड़ी बीमारी न्यूमोनिया जैसे बीमारी को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, तो अबाउ 65 के लोगों ने वो लेना चाहिए। हेल्थ टिप तो यही रहेगा कि बहुत सारा पानी पियो, 4 to 5 liters आप वाटर इंटेक करो। जो लोग डायूरेटिक्स जैसे मेडिसिंस पे है वो उनको दिन में ज़्यादा पानी पियो, अवॉइड करो कि रात में आप पानी ना पिए। फिर एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और उसमें सब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की मात्रा एकदम बराबर मात्रा में होनी चाहिए ये। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका फिज़िकल एक्टिविटी जो मैंने बोला है 10,000 स्टेप्स फॉलो कीजिए। और लास्ट में यही बोलूँगा कि सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे, थैंक यू। सबसे पहले तो कोरियन स्किन केयर जो रहती है, दे आर ब्लेस्ड विद द कोरियन स्किन बिकॉज दे आर फ्रॉम कोरिया, सो इट इज़ बेसिकली जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। एंड इट इज़ अ मिथ कि इंडियंस को कोरियन स्किन केयर मिलेगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो बेसिकली कोरियन स्किन केयर जो रहता है इट इज़ अ मिथ, इंडियंस को कोरियन स्किन केयर जो रहती है वो नहीं मिल सकती है। वॉट अस इंडियंस कैन डू इज़ अचीव अ फ्लॉलेस एंड अ परफेक्ट कॉम्प्लेक्शन स्किन केयर दैट इज़ अ नियर अबाउट परफेक्ट। सो माई रिकमेंडेशन वुड बी डोंट गो आफ्टर द स्किन फैट्स लाइक कोरियन स्किन केयर एंड 10 स्टेप रूटीन एंड एवरीथिंग, जस्ट फॉलो योर स्किन केयर रूटीन। सो स्किन केयर जो रहते हैं, हमारी जो स्किन रहती है वो वेदर के हिसाब से डिफरेंट होती रहती है, इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि समर में आपका स्किन केयर रूटीन डिफरेंट होना चाहिए, रेनी सीजन में डिफरेंट एंड सो ऑन विंटर में भी डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज हमारे वेदर कंडीशंस के हिसाब से हमारी स्किन जो रहती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑयल सिक्रीट करती है। सो उसके हिसाब से आपको स्किन केयर रूटीन आपको यूज़ करना चाहिए। एंड अभी इन्होंने बात की कि कश्मीरी स्किन टोन जो रेडिश रहती है, सो दोज आर लाइक बेसिकली द स्किन्स अंडरटोन। किसी का स्किन अंडरटोन येलो होता है, किसी का रेडिशन पिंकिश होता है, उसका मतलब ये रहता है जब आप धूप में जाते हैं तो कोई कोई लोग पिंक होते हैं, सो मतलब उनका जो स्किन टोन है दैट इज़ लाइक अ पिंकिश अंडरटोन। सो इट इज़ जस्ट द लेवल ऑफ स्किन मेलानिन पर डिपेंड करता है वो, उसमें स्किन टाइप डिफरेंट रहती है। सो बेसिकली टाइप 1, 2 and 3 दे आर मोर प्रोन फॉर द पिंकिश एंड द रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन व्हेन दे आर एक्सपोज टू सनलाइट। बट नॉर्मली मोस्टली इंडियन स्किन टोन में जो रहता है वो येलो स्किन टोन रहता है, धूप में आप अगर जाओगे तो वो टैन हो जाती है, इट वोंट बी रेड एज पर से बट वो टैन होने के चांसेस रहते हैं, दैट्स व्हाई सन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेयर लॉस जो रहता है इट इज़ अ वाइड
टॉपिक एंड हेयर लॉस का जो रहता है वो एक रीज़न नहीं रहता है, इट इज़ ऑलवेज मल्टी फैक्टोरियल, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो बेसिकली हमारे हेयर क्या करते हैं, हमारे स्कैल्प को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें हमारा जो स्कैल्प रहता है इन टर्न वो हमारे बालों को नरिश करता है, तो हमें हमारा स्कैल्प का भी ख्याल रखना चाहिए। सो वी बेसिकली हैव टू कीप आवर स्कैल्प क्लीन, कीप आवर स्कैल्प हेल्दी। हमें पानी बहुत पीना चाहिए, अगर आप पानी कम पियोगे, नॉर्मल अगर पानी है तो नॉर्मल 3 to 4 liters ऑफ आपको पानी रोज़ पीना चाहिए। अगर आप कम पानी पियोगे तो आपका स्किन भी ड्राई हो जाएगा, हेयर भी ड्राई हो जाएंगे। आपको खाने में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, आपको डेली जो सीजनल फ्रूट्स रहते हैं वो आपने खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने खाने चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस वेज में भी आपको काफ़ी सारे प्रोटीन ऑप्शंस मिलेंगे, नॉन वेज में भी मिलेंगे, वो आप खा सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जो आजकल जो है काफ़ी लोग जो है रात में देर रात के जगते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस आजकल हेयर लॉस के लिए। तो अगर आप टाइम पे सोते हैं तो आपका जो हेयर ग्रोथ साइकिल रहता है वो प्रॉपर होता है, आप में हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होंगे। तो पानी का इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया, इवन खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, लाइफस्टाइल प्रॉपरली हेल्दी मेंटेन करनी चाहिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ स्ट्रेस रिडक्शन। एक स्ट्रेस कंट्रोल करने का एक आप तरीका ढूंढ लीजिए, वॉट एवर हॉबी यू लाइक, फाइंड अ वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दैट वे, ताकि आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए या फिर स्ट्रेस आपका मैनेज हो जाए। बिकॉज आप कुछ भी करोगे, आपका अगर डाइट प्रॉपर होगा, पानी प्रॉपर होगा, आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स प्रॉपर होंगे, बट इफ़ यू हैव स्ट्रेस इन योर लाइफ, हेयर लॉस जो रहेगा इट विल बी अ कंटिन्यूस प्रॉब्लम फॉर यू, इट वॉन्ट हेल्प यू इन एनी। जब हेयर लॉस होता है उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में होगा कि बाल झड़ने की समस्या अगर है तो वो आप में आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो हम कंट्रोल या फिर कम नहीं कर सकते। विद द प्रॉपर हेयर केयर रूटीन अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प, अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप, हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड स्लोली एंड स्टेडिली वी कैन अचीव अ हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्कैल्प। आजकल यंग दिखने के लिए काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, बट वो जो ट्रीटमेंट है वो सबके लिए नहीं होती है। आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आप में कौन सी प्रॉपर एंड बेस्ट आपको सूटेबल ट्रीटमेंट रहेगी, बट येस इट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। पिंपल्स जो रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, पिंपल्स जो प्रॉब्लम रहता है इट इज़ नॉट अ सिंगुलर कॉज, इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले जो है पानी का इंपॉर्टेंस हम कितना भी बताएं तो झुटला नहीं सकते हैं, आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। 3 to 4 liters ऑफ वाटर प्लीज़ ट्राई टू हैव एवरी सिंगल डे, बिकॉज मैनी पीपल डू नॉट नो और अनअवेयर ऑफ द थिंग दैट स्किन इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो अगर पानी नहीं मिलता है तो उसके जो साइंस एंड सिम्टम्स पिंपल्स के रूप में और बाकी सारे रूप में आपको स्किन पे दिखने लगेंगे। तो पानी 3 to 4 liters ऑफ वाटर आपको रोज़ लेना है। खाने में आपको जो है ऑयली चीज़ें, बहुत सारा मीठी जो चीज़ें रहती है, इवन चॉकलेट्स रहते हैं, एंड ऑयली चीज़ें, मीठी चीज़ें एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, वो आपको अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, टाइम पे सोना है। अगर आप टाइम पे नहीं सोते हो तो एज आई सेड अर्लियर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, उसके कारण भी आपको पिंपल्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप हमेशा बार बार जो है चेहरे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज उसके कारण भी डर्ट ट्रांसफ़र होता है, उसके कारण पिंपल्स आ सकते हैं आपको। एंड 2 to 3 days में आपको बेडशीट एंड बेड पिलो कवर जो रहता है आपको चेंज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश एवरी सिंगल डॉक्टर हैप्पी, अ वेरी वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे, एंड मेरी मैं यही विश करती हूँ कि आप अपने मन से कोई भी एक फैड जो आता है, आजकल बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। आप अपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, और आपके हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपको क्या करना चाहिए, आपने कौन सी क्रीम्स लगाने चाहिए या फिर कौन सी ट्रीटमेंट आपने फॉलो करनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरी सलाह यही रहेगी, प्लीज़ फॉलो दैट। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।